नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है मॉर्निंग न्यूज का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना आज से दो दिवसीय राजकीय दौरे पर भारत आएंगी। बता दें कि उनका पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और विदेश मंत्री एस जयशंकर से मिलने का कार्यक्रम है। साथ ही शेख हसीना पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु दलाई लामा आज दिल्ली से अमेरिका के लिए प्रस्थान करेंगे। बता दें कि वो अमेरिका में स्वास्थ्य जांच करवाएंगे। इसके अलावा उनके अन्य कार्यक्रम भी प्रस्तावित हैं। इसके बाद 29 जुलाई को वापस मैक्लोडगंज पहुंचेंगे। आज जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक होगी। बता दें कि इस मीटिंग में काउंसिल एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के डिफेंस आइटम्स के इंपोर्ट पर 5 साल की अवधि के लिए 18% और 28% के आईजीएसटी से छूट देने की सिफारिश होगी। छूट की समय सीमा 30 जून को खत्म हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी में आज यानी 22 जून शाम 5 बजे से CSL पोर्टल पर पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करेगा। बता दें कि इच्छुक छात्र DU एडमिशन 2024 प्रक्रिया के लिए आधिकारिक वेबसाइट admission.uod.ac.in पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। आज से लगेगा अंबुबाची मेला। इसमें देश भर से लाखों श्रद्धालु, साधु संत और तांत्रिक आते हैं। अंबुबाची मेला साल में सिर्फ एक बार लगता है। मेला हर साल मानसून के दौरान लगता है। बता दें कि जून के बीच में जब सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश करता है और ब्रह्मपुत्र नदी उफान पर होती है, उसी समय कामाख्या मंदिर में अंबुबाची मेला लगता है। बोकारो थर्मल DVC की ओर से CSR के तहत बोकारो थर्मल स्थित ऑफिसर्स क्लब में आज जरूरतमंदों के लिए निःशुल्क श्रवण जांच एवं यंत्र वितरण शिविर का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि ये जानकारी DVC, VTP, SK, DGM, BG होलकर ने देते हुए बताया कि आधिकारिक लोग शिविर का लाभ लें। इस साल हज पर गए यात्री आज से लौटने लगेंगे। हाजियों का पहला जत्था आज दोपहर 2 बजे दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचेगा। पहले जत्थे में वही लोग शामिल होंगे जो सबसे पहले गए थे। बता दें कि मेरठ से पहले दिन 5 हज यात्री गए थे। यहां से हज पर जाने वाले कुल यात्रियों की संख्या 841 है। दतिया में तिगैलिया स्थित ठाकुर श्री राधा वल्लभ मंदिर में आज मंदिर ट्रस्ट बोर्ड के तत्वाधान में फूल बंगला के दर्शन होंगे। बता दें कि मंदिर के सुभाष सजरिया ने बताया कि फूल बंगला वृंदावन के कलाकारों द्वारा तैयार किया जाएगा, जिसके लिए सामग्री भी आ चुकी है। गोटन में कस्बे के निकटवर्ती रतकुड़िया भाकर स्थित कबीर पंथानुयायी लोकसंत भोलाराम महाराज देवरी धाम पर आज सदगुरु कबीर साहिब का 626वां जन्म जयंती महोत्सव पीठाधीश महंत रमयादास महाराज के सानिध्य में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में आज मानसून की एंट्री होने की संभावना है। हालांकि मानसून के आने से पहले तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं है। बता दें कि वहीं कुछ स्थानों पर पारा 45 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार करने की उम्मीद है। वक्त हो चुका है इतिहास का, तो चलिए जानते हैं आज का दिन क्यों है कुछ खास। साल 1900 में आज ही के दिन भारतीय स्वतंत्रता सेनानी गणेश घोष का जन्म हुआ था। साल 2002 में आज के दिन ईरान में आए भीषण भूकंप में 500 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। साल 2005 में आज के दिन पूरा इराक विश्व धरोहर सूची में शामिल हुआ था। साल 2005 में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ राजनीतिज्ञ सुंदर सिंह भंडारी का निधन हुआ था। साल 2006 में आज के दिन अमेरिका ने मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया था। मॉर्निंग न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।